नमस्कार, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं रजिंदर कौर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर विच हुई हिंसा के विरोध विच देश भर दे विच सियासी पार्टियां वालों रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसे लड़ी दे विच चंडीगढ़ विखे कांग्रेसी आगुओं वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन के शामिल हुए। इस मौके उन्होंने कहा कि किसान शांतमई ढंग के नाल अपना प्रदर्शन कर रहे सन। भाजपा आगुआ ने जानबूझ के कार लिया के किसानों ते चढ़ाई, जिन्हां कारण उन्हां दी मौत हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतक किसानों के लिए मौन वर्त भी रखा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने आज सेहत विभाग के अधिकारियों के नाल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के नूं चल रहे प्रोजेक्टां नूं समय सिर मुकम्मल करन दे निर्देश दिते। उन्होंने कहा कि हुण सिविल अस्पतालां दे विकास ते ध्यान दिता जाएगा। जे कोरोना की तीजी लहर आउंदी है तां सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि डेंगू के वधेरे मामले सामने आ रहे हैं, यही कारण है कि अस्पतालां दे विच टैस्टिंग वधा दिती गई है। इस दे नाल ही त्यौहारां दे सीजन के मद्देनजर नकली मठियाइयां की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए गए ने। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। सर, जैसे काफ़ी कम समय है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन से कामों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, प्राथमिकता कौन कौन से कामों को दी जा रही है? बिल्कुल, साढ़े सेंटर केयर यूनिट चल रहे जिस तरह अमृतसर, साढ़े 120 करोड़ की लागत नाल ये प्रोजेक्ट जिहड़ा चल रहा, 3 महीने च असी इहनू कंप्लीट करना। सो उहदे ते भी डिस्कशन हुई है, और जिन्हें भी साढ़े सिविल हॉस्पिटल ने उन्हों की इंप्रूवमेंट वास्ते सारे जोड़े काम ने उन्होंने रिव्यू किया। सो जल्दी जोड़े ने काम जो कंप्लीट हो जाने हैं। सो सारे काम जरूरी ने, यह नहीं कि कोई जरूरी नहीं, सारे जोड़े हेल्थ डिपार्टमेंट के काम ने सारे जरूरी। लखनऊ पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं हिरासत विच बैठी कांग्रेस दी जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने सवाल किते ने। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी दी घटना वाली वीडियो पेश करके प्रधानमंत्री मोदी नूं सवाल किता है कि उन्हां ए वीडियो वेखी है जां नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाले तक भाजपा दे इस मंत्री नूं अहुदे तो क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अते उसके दोषी बेटे नूं जेल अंदर क्यों नहीं किया गया। उन्हां सवाल किया है कि आखिर प्रधानमंत्री अपने फर्ज भुल क्यों गए ने ते दोषियों नूं सजा देण दी बजाए विरोधी धिर दे नेता यानी कि उन्हां नूं हिरासत विच बिना वजह रखा गया है। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी,
तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है, जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। लखीमपुर हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जिस विच देखा जा रहा है कि दो वाहन आ रहे ने अते विरोध कर रहे किसानों नू पिछे तो कुचल रहे ने। इस वीडियो के सामने आने तो बाद विरोधी नेतावां ने भाजपा नू निशाना बनाना शुरू कर दिता है। इस कड़ी विच कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीडियो शेयर करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसानों नू पिछे गड्डी थले कुचलण दे 36 घंटे बाद भी देश दे गृह राज मंत्री नू ना तो बर्खास्त किया गया अते ना ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मोदी जी ने साबित किया है कि लखनऊ विच लोकतंत्र दे बर्बादी समारोह विच ओ हिस्सा लेने जा रहे ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्सव मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, पर लखीमपुर खीड़ी के अंदर तो आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रौंद डाला। लखीमपुर खीड़ी में तो किसानों की दर्दनाक दिन दहाड़े कैमरा के सामने हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीड़ी में तो इस देश की आत्मा को छलनी कर दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के गृह राज्य मंत्री संविधान और आजादी दोनों की हत्या का उत्सव मना रहे हैं? मोदी जी, अगर उत्सव मनाना है, अगर आजादी को याद करना है, तो जाकर लखीमपुर खीड़ी में एक एक किसान परिवार के, एक एक उस परिवार के आंसू पहुंचिए, सांत्वना दीजिए जिनकी हत्या की गई है। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा, जो आज भी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। उन पर, उनके पुत्र पर और भाजपा के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को तो 33 घंटे से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, इसलिए कि वो किसानों के आंसू पहुंचने जा रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं? मनीष गुप्ता की हत्या हुई, मनीष गुप्ता के हत्यारों का पता नहीं चला, और 36 घंटे बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब ने बरनाला दे कचारी चौंक विच लखीमपुर खेड़ी विच शहीद होए किसानां दे दोषियां विरोध कार्रवाई दी मंग नूं लै के भाजपा दे विरोध दे विच इक पुतला साड़िया। आम आदमी पार्टी दे जिला प्रधान ने कहा कि देश विच लोकतंत्र दा राज खत्म हो गया है। केंद्र दी भाजपा सरकार लोकतंत्र नूं कुचल रही है, लोकां नूं राजतंत्र तरीके दे नाल कुचल रही है। इस पुतले उपर उन्हां प्रधानमंत्री मोदी अते यूपी दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीआं तस्वीरां लगाईआं सन अते भाजपा खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी कीती। हुण तां वीडियो भी सामने आ गई, वो आराम नाल वो शांति प्रदर्शन कर रहे ने किसान, तो पिछों दी आ के जिहड़े वो उन्हां दीआं जिप्सियां दड़ रहीआं ने, उन्हां दीआं जीपां दड़ रहीआं, हुण तां वीडियो भी सामने आ गई वी इदों ज़्यादा क्रूअल्टी कितें मिल नहीं सकती। ये तो जां तां 1947 दे राज तों पहलां मिलदी सी, जां हुण मिल रही है, जां अंग्रेज़ ये काम करते हुंदे सी, जां हुण मोदी साहब दीआं सरकारां जिथे भी ने, चाहे वह भाजपा हरियाणे चा, चाहे वह भाजपा यूपी चा, चाहे वह भाजपा सेंटर दे बैठी आ, सो जिथे भी भाजपा दीआं सरकारां ने इहो जिहा तशद्दुद हंडा रही हैं। राजनीति तो जी इन्हां दी हुण कोई है रही नहीं, बहुत निंदनीय है, माड़ी घटना है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये अनारकी, जिहनूं कहिंदे डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। कतल किए तो किए, उस तो बाद हरियाणा पंजाब का बार्डर सील करता, धारा 144 लाती, वो जेड़े शहीद हो गए किसान, ताकि उन्होंने मरण के उत्ते पंजाब उन्होंने रिश्तेदार उन्होंने मिलन जा ना सकन, ये जान नहीं देंगे, बार्डर सील किया हुआ। बहुत ही माड़ी घटना है, ये जिमें इत्थे बेआदमियों ने अकाली दल दा अंत किया यूपी दे विच, यही घटना जिहड़ी मोदी जोगी सरकार है, ये जिहड़ा कफन दे विच
एक किल साबित होगी और इन्हों का अंत नेड़े आ गया, इस करके ये हरकत कर रहा। बिल्कुल बेलगाम चल रहा बीजेपी की लीडरशिप से उसके गुंडे। एक महिला की वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसका पिंड वासियों वालों विरोध किया जा रहा है। दरअसल यह महिला वालों भारतीय जनता पार्टी नू ज्वाइन किया गया सी, जिसका विरोध करते पिंड वासियों ने इस महिला समेत परिवार वाले का बाइकाट कर दिता। इस मौके पर की महिला ने कहा कि यह लड़ाई किसानों की है, तुहाड़ी नहीं, तो जेकर मेरे पार्टी छड़ देण नाल तुहाड़े मुद्दे हल हो जाण तां इस तों वधिया गल की हो सकती है। तो होर की कह रही है यह महिला, तुसीं भी सुणो। अपना जे साडा दो जनानियां दे बाइकाट करन नाल तुहाडा सुधार हुंदा, इस तों वधिया गल की हो सकदी आ, हैना। लखीमपुर विच होई हिंसा तो बाद देश भर च सियासी पार्टियां वल्लों कीते जा रहे रोस प्रदर्शन, मुख्यमंत्री चन्नी भी प्रदर्शन विच होए शामिल। ओपी सोनी ने अज सेहत विभाग के अधिकारियों नाल कीती मीटिंग, अधिकारियों नूं जल्द प्रोजेक्टां नूं मुकम्मल करन दे दिते निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं हिरासत विच बैठी प्रियंका गांधी ने कीते सवाल, दोषियों नूं सजा देण दी जगह सानूं कीता जा रहा है जेलां च।